तो यार वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नडी न्यूज। और इस वीक कई सारे न्यू अपडेट्स आए हैं। सबसे पहले तो कुछ सुपर हीरो मूवी के एक्टर्स कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। फिर एलिजाबेथ ऑल्सन ने अपना इंस्टाग्राम क्यों डिलीट किया ये भी हम जानेंगे। फिर ब्लैक पैंथर 2 से अपडेट्स। तो ऑब्वियसली पूरी तरह से अपडेटेड रहना चाहते हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं कैप्टन मार्वल से। तो ब्री लार्सन ने रिसेंटली अपने यूट्यूब चैनल से रिवील किया है कि कैप्टन मार्वल से पहले उन्होंने थॉर और आयरन मैन 2 के लिए भी ऑडिशन दिया था। वैसे ये नहीं पता कि वो किस कैरेक्टर के लिए था, लेकिन जो भी था वो सिलेक्ट नहीं हो पाई थी। फिर बाद में जाकर उन्हें फाइनली कैप्टन मार्वल का रोल मिला और इस रोल के लिए उन्होंने 2 बार मना किया था। वो कैप्टन मार्वल का रोल नहीं करना चाहती थी, लेकिन थर्ड टाइम में उन्हें मना लिया गया। आगे अगर इटर्नल्स पे आए तो डायरेक्टर क्लोई ज़ाओ ने कहा है कि उन्हें जापानीज मांगा में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और इसका इफेक्ट इटर्नल्स पे भी पड़ेगा। इटर्नल्स के बहुत से पार्ट्स मांगा से इंस्पायर्ड होंगे। उन्होंने ये भी बोला है कि मूवी बनाने के टाइम मार्वल स्टूडियोज की तरफ से किसी भी तरह का रोक टोक नहीं था और उन्हें पूरा क्रिएटिव फ्रीडम मिला है। ऊपर से उन्होंने ये भी कहा कि इटर्नल्स बनाने के टाइम उनके दिमाग में बस यही था कि एमसीयू की सबसे बड़ी मूवी एंड गेम से भी बड़ा इसे कैसे बनाया जा सकता है, और इसी की मूवी में पूरी कोशिश की गई है। इटर्नल्स से ही सलमा हायक के कैरेक्टर अजैक का भी फर्स्ट लुक लीक हो गया है, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। ये लीक एक टॉय एक्शन फिगर के बॉक्स से हुआ। नेक्स्ट अपडेट है क्रिस्टोफर नोलन से। तो रिसेंटली वो अपने मूवी टेनेट के प्रमोशन के लिए एक इंटरव्यू में आए थे, जहां उनसे डीसी की मूवी के बारे में पूछा गया कि क्या वो कभी डीसी की मूवी को फिर से डायरेक्ट करेंगे, जैसे कि उन्होंने द डार्क नाइट ट्रिलॉजी को किया था, जिसपे उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि आई थिंक माई डीसी डेज आर ओवर। तो यार ऐसा ही लग रहा है कि वो किसी भी मूवी के लिए रिटर्न नहीं करने वाले। बैटमैन से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आर्ट भी पब्लिश किया गया, जो कि एक डीसी की कैंसल मूवी से है, और डिजाइन और सूट देखकर साफ लग रहा है कि ये कॉमिक से थॉमस वेन वाले बैटमैन के वर्जन का होगा। यहीं पे बैटमैन के ही एक कैंसल्ड गेम से भी किंग शार्क का कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज हुआ है। नेक्स्ट माइनर अपडेट है थॉर 4 यानी कि थॉर लव एंड थंडर से, जहां नेटली पोर्टमैन ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई हैं इसकी शूटिंग को फिर से स्टार्ट करने के लिए। अभी के लिए थॉर लव एंड थंडर का रिलीज डेट फरवरी 11, 2022 है। रिलीज डेट से याद आया कि डीसी फैंडम का सेकंड पार्ट 12 सितंबर को होने वाला है। पिछले डीसी फैंडम में आपने देखा ही कि वो इवेंट कितना सक्सेसफुल रहा और कितना ऑसम रहा। लेट्स सी कि सेकंड इवेंट का क्या होता है। मैंने पूरा शेड्यूल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहो तो देख लेना। हाँ एक बात और कि उस इवेंट को भी मैं पूरी तरह से कवर करूंगा, अगर मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। नेक्स्ट एक माइनर अपडेट है आरडीजे से। उन्होंने इस बार क्लियरली बोल दिया है कि आई एम ऑल डन विथ मार्वल। तो बहुत से फैंस आयरन मैन का रिटर्न को लेकर बोलते रहते हैं, तो उनके लिए अब ये फाइनल स्टेटमेंट है। अब वो एमसीयू की मूवी में नहीं दिखेंगे, एटलीस्ट उनका कोई नया सीन तो नहीं दिखेगा। मार्वल वाले ऑब्वियसली उनके पुराने सीन्स को रीयूज कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने फार फ्रॉम होम में किया था। अब बात कर लेते हैं मिस मार्वल के डिज्नी प्लस शो की, क्योंकि इससे बहुत सारे अपडेट्स हैं। सबसे पहले तो इस शो के डायरेक्टर को फाइनल कर दिया गया, जो कि है आदिल और बिलाल। इससे पहले इन्होंने बैड बॉयज फॉर लाइफ डायरेक्ट किया था। इसके बाद अभी एक्टर जसजीत विलियम्स और सागर शेख से बात चल रही है किसी रोल के कास्टिंग के लिए। एंड ये भी कंफर्म कर दिया गया है कि इस शो का हर एपिसोड 1-1 घंटे का होने वाला है, लेकिन कितने एपिसोड होंगे ये ऑब्वियसली अभी नहीं बताया गया। अब शो की बात हो ही रही है तो सोनी वाले कहाँ पीछे रहने वाले हैं। ऐसे रिपोर्ट आए हैं कि सोनी एंटरटेनमेंट भी अपने स्पाइडरमैन यूनिवर्स के अंदर सिल्क के कैरेक्टर पे एक सीरीज बनाने वाले हैं। इससे पहले रूमर थे कि सिल्क की मूवी बनने वाली है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसकी सीरीज आएगी। अब आते हैं कोविड-19 पे। तो कुछ दिन पहले बैटमैन मूवी की शूटिंग फिर से चालू हुई थी, लेकिन इसे फिर से होल्ड पे डाल दिया गया है क्योंकि रॉबर्ट पैटिंसन कोविड पॉजिटिव हो गए हैं एंड उन्हें कोरोना हुआ है। इसके बाद इस मूवी से रिलेटेड सारे कास्ट और क्रू को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। लेकिन ये सब यही नहीं रुका, एक्टर ड्वेन जॉनसन जो कि जल्द ही ब्लैक एडम के रोल में दिखने वाले हैं, उनकी भी पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव हो गई है। उन्होंने ये बात खुद अपने इंस्टा पे बताया। My wife Lauren, as well as my 2 baby girls and myself, we have all tested positive for COVID-19. And I could tell you that this has been one of the most challenging and difficult things we have ever had to endure as a family. अब आते हैं चैडविक बोजमैन पे और उनके लास्ट प्रोजेक्ट पे। तो सबसे पहले तो यार उनके अकाउंट से किया गया ये ट्वीट मोस्ट लाइक ट्वीट इन द वर्ल्ड हो गया है। ट्विटर ने खुद इस बात को रीट्वीट करते हुए कंफर्म किया। अब कई फैंस ब्लैक पैंथर 2 के बारे में पूछ रहे थे एंड इसी से रिलेटेड मूवी के डायरेक्टर और राइटर रायन कुगलर ने बहुत कुछ बातें की। सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि मार्वल स्टूडियो में किसी को भी, ना ही उन्हें ना ही केविन फाइगी को, चैडविक बोजमैन के कैंसर के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और ब्लैक पैंथर 2 की शूटिंग मार्च 2021 से स्टार्ट होने वाली थी। ऑब्वियसली अब ऐसा नहीं होने वाला। रैन ने खुद एक बहुत लंबा ट्रिब्यूट लेटर चैडविक के लिए लिखा और उन्होंने बताया कि जब उन्होंने पहले चैडविक को देखा था तो फर्स्ट लुक में ये डिसाइड हो गया था कि वही किंग बन सकते हैं।
उन्होंने बताया कि लास्ट एक साल से वो ब्लैक पैंथर 2 के लिए डायलॉग्स लिख रहे हैं और वो भी सिर्फ चैडविक को ध्यान में रख के कि उनपे कौन सा डायलॉग सूट करेगा और कौन सा नहीं। और अभी के लिए तो ब्लैक पैंथर 2 का क्या होगा ये उन्हें भी नहीं पता। अब अगर एलिजाबेथ ऑल्सन पे आए तो इसी के चलते उन्होंने अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया है। हुआ क्या मैं बताता हूँ। एलिजाबेथ ऑल्सन ने चैडविक बोसमैन के लिए अपने इंस्टा पे कोई भी पोस्ट नहीं किया था, जिससे कि कई सारे फैंस उन्हें ट्रॉल कर रहे थे और इतनी सारी नेगेटिविटी की वजह से उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट ही डिलीट या डीएक्टिवेट कर दिया है। तो यार ये तो गलत बात है, सबका अपना तरीका होता है। अगर कोई इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे दुख नहीं है, सब कुछ बस सोशल मीडिया नहीं होता। लेकिन फिर भी आप लोग क्या सोचते हो कमेंट जरूर करना। वैसे एलिजाबेथ ऑल्सन ने एक छोटा सा ट्रिब्यूट वीडियो जरूर पब्लिश किया था, बस इंस्टा पे नहीं किया था, जो कि फैंस ने नोटिस ही नहीं किया और ट्रॉल करने लगे। एंड जाते आते ऐसे रिपोर्ट्स हैं कि डिज्नी प्लस के व्हाट इफ सीरीज में चैडविक ने अपनी आवाज दी थी और यही उनका फाइनल और लास्ट प्रोजेक्ट होगा। हाँ, बट अभी तक ये कन्फर्म नहीं है कि इस सीरीज के लिए उन्होंने डबिंग कम्प्लीट किया था या नहीं। तो अगर कर लिया होगा तो व्हाट इफ में उनकी आवाज हमें सुनाई देगी आखिरी बार। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। अगर हाँ तो वीडियो लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड ऑब्वियसली कुछ मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करो। Amazon Prime की सीरीज द बॉयज के बारे में जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड ब्लैक पैंथर की कॉमिक बुक ओरिजिन जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।